हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर के चटपटे चाट, जिसे बनाने के लिए मैंने लगभग आधा केजी मटर ली हूँ। 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगो के रखी हुई थी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब मटर के चटपटे चाट बनाने के लिए इसे हमें पहले 4 से 5 मिनट तक इसे हमें कुक करना होगा। आप चाहे तो इसमें आलू भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी। आप इसमें आलू रखें या ना रखें, मैं टेस्ट के लिए आलू थोड़ी सी रख दी हूँ। अभी इसे हम कुकर का ढक्कन लगा कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये हमारा मटर हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मटर अच्छा से हो चुका है ये। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को थोड़ी देर के लिए गरम होने देंगे। जैसा कि हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे गोटा जीरा, छोटे चम्मच से 2 चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा ब्राउन होने देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 4 छोटे कटे हुए प्याज, प्याज को थोड़े देर तक ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरे कटे हुए मिर्च। आप इसमें चाहे अपने अकॉर्डिंग जितने भी मिर्च डाल सकते हैं, आप जितने तीखा खाएं। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर मीडियम साइज के। ये है दोना। हमारा टमाटर, प्याज और मिर्च ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। सबको मिक्स कर लेंगे। हम इसे जब तक भूनेंगे जब तक इसके साइड से तेल ना छोड़ दे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे लो मीडियम पे भूजेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हो चुका है, किनारे से तेल छूटना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी उबली हुई मटर। अब इसमें सब मटर रखा चुका है। अब इसे हम थोड़े देर तक चलाएंगे। इसे हम एक ऐसी चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ये आलू को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे स्लो फ्लेम में थोड़े देर के लिए उबाल आने देंगे।
हमारा मटर चाट बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की उबाल आने लगी है। इसे अब हम सर्व करेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी प्याज डालें। थोड़ी सी धनिया पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी सेव, हल्की कटी हुई टमाटर, अपने टेस्ट अनुसार थोड़ी सी इमली की पानी, जिससे आपका चाट चटपटा लगने लगेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। हमारा टेस्टी चटपटा मटर चाट बनकर अब बिल्कुल तैयार है।